हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने किया था लॉ ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चन, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। आज अपन कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी की वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस तरह से आएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, जहाँ P होता है मोमेंटम, M होता है मास और V होती है वेलोसिटी। मास बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं P डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे ही मोमेंटम चेंज होगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और जब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ आता है इस तरीके से, स्ट्रेट। तो ये हो गया P और ये हो गया V और ये हो गया M। तो P और V के बीच में अपन को कैसा ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है पॉजिटिव। तो अपन को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंड फोर्स ओनली इनर्शिया ओनली बोथ ए एंड बी नेदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइंड कर रहा है, सिर्फ फोर्स को डिफाइंड कर रहा है या सिर्फ इनर्शिया को डिफाइंड कर रहा है, फोर्स और इनर्शिया दोनों को ही डिफाइंड कर रहा है या किसी को भी डिफाइंड नहीं कर रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर कोई बॉडी पे अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे, अगर उस पर कोई अपन बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो आ जाएगी मोशन में। तो अब उसको वापस रोकने के लिए भी अपन को वापस फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अपन वापस फोर्स लगाएंगे तभी वो रेस्ट कंडीशन में आएगी। तो बॉडी की जो स्टेज होती है, बॉडी की जो स्टेज को चेंज करने के लिए अपन को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो फर्स्ट लॉ दोनों को डिफाइंड कर रहा है, फोर्स को भी डिफाइंड कर रहा है और इनर्शिया को भी डिफाइंड कर रहा है। तो यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, फोर्स एंड इनर्शिया बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मड गार्ड ओवर द व्हील ऑफ अ कार वर्क ऑन द बेसिक ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जो बाइक होती है या कार होती है उसके जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स के ऊपर लगा हुआ होता है मड गार्ड। जो व्हील्स होते हैं व्हील्स के ऊपर कुछ इस तरीके से मड गार्ड लगा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, जो कीचड़ वगैरह होता है कीचड़ को फैलने से रोकता है। कीचड़, जब गाड़ी कीचड़ में जाती है तो जो कीचड़ बाहर उछलता है तो उसको रोकता है। तो ये बोल रहा है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो जो व्हील्स है, व्हील्स सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ता है, ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तो अपन देखते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो जैसे ही कीचड़ अगर यहाँ पर आता है तो वो आगे बढ़ता है, तो ये मड गार्ड उसको बचा लेता है गाड़ी गंदी होने से। तो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये वर्क करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंज एट द रेट ऑफ 10 kg/m² फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है, उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, और मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज होने की रेट अपन को दे रखी है 10 kg/m², और अपन ने न्यूटन का सेकेंड लॉ में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में कितना मोमेंटम चेंज होता है वो इक्वल होता है फोर्स के। तो यहाँ पे अपन को दे रखी है रेट 10 kg/m². यहाँ पे अपन को क्वेश्चन बोल रहा है जो बॉडी है, बॉडी का मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है 10 kg/m², टाइम के साथ में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है। और सेकंड लॉ में अपन ने पढ़ा था F = ∂P/∂t, जो फोर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम, और अपन को इसी की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 10। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हो गया 10 N के बराबर, उस बॉडी पे 10 N का ही फोर्स एक्ट कर रहा है, और 10 N अपन को मिलता है B में। तो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम इज। तो अपन ने देखा था दो तरह के सिस्टम होता है, एक होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में अपन फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और सीजीएस सिस्टम में अपन फोर्स को मेजर करते हैं डाइन में। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है और ये मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन होता है एमके सिस्टम में मेजर करने की यूनिट और डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में फोर्स को मेजर करने की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इंटरनल फोर्स की वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है, नन ऑफ दिस। तो बॉडी एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज फोर्स डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर कोई बॉडी है उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है और लीनियर मोमेंटम चेंज होने का जो टाइम है, टाइम अगर बढ़ रहा है तो उस बॉडी पे जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा या क्या रहेगा? तो अपन देखते हैं जो फोर्स होता है डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला अपन को मिलता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स के। अगर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है अगर उसका टाइम बढ़ रहा है तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम देखते हैं अपन टाइम के साथ में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फोर्स डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर एज दे आर। तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, कभी भी ये सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं करते। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो पैर में होते हैं और इनका जो टाइप होता है फोर्स का टाइप होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m। तो ये जो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट को mg से नीचे की तरफ खींचेगी, इस पे फोर्स लगाएगी mg, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट को mg से नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अर्थ को वापस mg से ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो फोर्स है फोर्स सेम टाइप के हैं लेकिन जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे कर रहे हैं। ये कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और ये वाला फोर्स कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ये हमेशा पैर में होते हैं और इनके जो फोर्स का टाइप होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्टिंग ऑन द सेम, एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए, अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, द एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक लिफ्ट है, एक आदमी है जो लिफ्ट के अंदर है और एक है जो लिफ्ट के बाहर है ग्राउंड पे है। अब लिफ्ट के अंदर से एक वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है तो लिफ्ट आ रही है ए एक्सेलरेशन से नीचे, तो अपन को निकालना है जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है वो देख रहा है बॉल को, तो उसके लिए बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और एक आदमी जो लिफ्ट के अंदर है वो फेंक रहा है बॉल को नीचे, तो उसके लिए जो बॉल है वो नीचे जा रही है तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है।
ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, ये बॉल को नीचे फेंक रहा है, तो इसके लिए जो बॉल नीचे जा रही है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, जबकि ये पूरी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि बॉल है ना किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो दोनों का निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और इसके रेस्पेक्ट में बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो पहले तो अपन देख रहे हैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है ए। अब जो बॉल है, बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, बॉल जा रही है ग्रेविटी की वजह से नीचे, तो बॉल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है जी, तो बॉल का एक्सेलरेशन मिलता है जी। अब एक जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड पे खड़ा है वो देख रहा है कि बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉल का एक्सेलरेशन माइनस ग्राउंड का एक्सेलरेशन। बॉल सीन बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा है वो देख रहा है कि बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, तो बॉल का एक्सेलरेशन माइनस ग्राउंड का एक्सेलरेशन। अब जो ये आदमी है ये यहाँ पे स्टेशनरी खड़ा है, ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो अपन को मिल जाएगा जीरो, और बॉल का एक्सेलरेशन कितना मिलता है, बॉल का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे जी, और इसका एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा जीरो, तो जी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको लगेगा कि जो बॉल नीचे आ रही है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। अब जो एक आदमी है वो लिफ्ट के अंदर है, तो उसको क्या लगेगा कि बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो बॉल सीन बाय मैन स्टैंडिंग इन लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है उसको क्या लग रहा है कि बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो बॉल का एक्सेलरेशन माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन, बॉल का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है जी और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है ए, तो उसको लगेगा कि जो बॉल नीचे जा रही है वो जी माइनस ए के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, जबकि इसको लगेगा कि बॉल जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे जी माइनस ए और जी मिलता है अपन को सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।